एमपी के रीवा में अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित देवर को अपर सत्र न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार वर्ष 2016 में ग्राम उमरी में अमर साकेत का शव उसके घर में पाया गया तथा उसके शरीर में धारदार हथियार की कई चोटें मौजूद थी। पुलिस थाना रायपुर कलचुरिया में अपराध क्रमांक 60/2019 में धारा 302-120-34 IPC का अपराध दर्ज कर आरोपी अजय साकेत उर्फ मल्लू और ललिता साकेत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसका विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी के न्यायालय द्वारा किया गया। विचारण उपरांत आरोपी अजय कुमार साकेत और आरोपी पत्नी ललिता साकेत को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया। आरोपी ललिता की ओर से एडवोकेट राजीव सिंह परिहार सेरा सिंह ने पैरवी की और आरोपी अजय कुमार की ओर से एडवोकेट शिवेंद्र सिंह बघेल ने पैरवी की है। पुलिस थाना रायपुर कचलियान में वर्ष 2019 में ग्राम उमरी की घटना को लेकर, जिसमें उमरी गांव में एक हत्या हुई थी, हत्या जो हुई थी वो अमर साकेत नाम के व्यक्ति हुई थी, और उस हत्या के मामले में मृतक के छोटे भाई एवं उसकी पत्नी ललिता साकेत और आपके अमर अजय साकेत ये मुलजिम बनाए गए थे। और ये कहानी बताई गई थी कि मृतक की पत्नी अपने देवर के साथ, उसका प्रेम संबंध था, उस प्रेम संबंध में उसने मेल करके षड्यंत्र करके अपने पति की हत्या करवा दी। ये कब का मामला था? ये वर्ष 2019 का मामला था रायपुर कचलियान थाना अंतर्गत था, जिसका अपराध क्रमांक 60/2019 था। ये मामला जो है पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के समक्ष विचारण हुआ और 2019 के पश्चात आज 2023 को ये मामला जो है दोष मुक्त घोषित किया गया है। देवर को भी दोष मुक्त घोषित किया गया है और पत्नी को। आरोपीगण कितने दिन तक जेल में रहे हैं? आरोपीगण शुरुआती दौर में, ये भी जो मुलजिम है अजय कुमार साकेत अभी भी जेल में था, आज जो है आदेश के बाद वो रिहा किया जाएगा। 2019 से लगातार अभी तक जेल में था, और जो उसकी पत्नी थी ललिता साकेत वो जो है पहले से जमानत पर थी और 2 महीने करीब जेल में थी।